सो फाइनली जवान का तीसरा सॉन्ग को रिलीज करा गया यार हमैया अवस्था भैया, और ये गाने को सुनने के बाद भाई टोटली मूड ऑफ हो गया। सीरियसली यार मेरे को ना इस गाने से बहुत ज्यादा उम्मीद था, बट ये गाना एकदम ही वाही आप निकला यार। सीरियसली मतलब इतना उम्मीद नहीं था यार कि इस गाने का क्वालिटी इतना लो होगा, क्योंकि भाई जिस तरीके से उस फिल्म का हाइप है ना, ये फिल्म ना ऐसा गाना डिजर्व नहीं करती। यहाँ शाहरुख खान के बहुत से फैंस लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, बट हाँ भाई ये गाने में वो दम ही नहीं है भाई। एक बार तुम गाने को सुनो भाई, कहीं से भी तुमको गाना याद आता हुआ नजर आ रहा है नहीं आएगा। तो मैं ये चीज सोच रहा था ना, जिस टाइप से पठान का एल्बम था, पठान में जो जो गाने डाले गए थे, वैसे ही ये जवान मूवी में भी ऐसा चीज होनी चाहिए। बट सच बोलूं तो एक भी ऐसा गाना अभी तक नहीं आया जवान मूवी से जो लगे यार कि भाई कमाल कर दिया, जो मार्केट में बजे, ग्राउंड लेवल पे बजे। जिस तरीका से पठान का ग्राउंड लेवल पर जो गाना बजा हुआ था ना, झूमे जो पठान बेशरम रंग, भाई फाट के रख दिया ना, इतना ज्यादा उस फिल्म को लेकर बस क्रिएट कर दिया था कि वो फिल्म एकदम तपतोड़ कलेक्शन कर लिया। और ये जवान को लेकर सच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा हाइप है, बट गाना यार बहुत निराश कर। यहाँ एक चीज तो भाई कंफर्म पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अनुरोध सरचन अपने फिल्म में ना बीजीएम डलवा लो, वो बीजीएम हार्ड दे सकते हैं मूवी में, बट अगर गाने की बात करें खासकर हिंदी साइड के, तो वो भाई यहाँ फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जवान का जो पहला गाना था वो भी गाना एकदम इंप्रेस नहीं करा हुआ था, दूसरा गाना थोड़ा अच्छा था, और तीसरे गाने से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। क्योंकि कल जब भी प्रोमो को रिलीज करा गया था ना, प्रोमो मेरे को अच्छा लगा हुआ था, जिस तरीके से रमैया वास्तव या जो बोलते हैं अनिरुद्ध सर, जिस वे में बोलते हैं, जिस टोन में बोलते हैं, अच्छा लगा है। उसके साथ उसके पीछे की बीजम काफी ज्यादा अच्छा लग रही है। सो यही चीज है बस, आज जो प्रॉपर मैंने गाने को सुना ना, सो वही चीज है बस, ये गाने में भी अच्छा लगा है। वहीं जब रमैया वास्तव या रमैया वास्तव या बोलते हैं, और वहां के पीछे के बीजीएम और शाहरुख खान का हुक स्टेप अच्छा लगा है, और नो डाउट शाहरुख खान तो भाई अच्छे लगे ही हैं, जिस वे में डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो कमर ऐसे हिलाते हैं, फील दे दिया है भाई। बाकी गाना भाई एकदम ही फील नहीं दे रहा, सीरियसली यार बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है, मतलब एवरेज से भी बिलो एवरेज तुम गाना बोल सकते हो। जवान जैसे बड़ी फिल्म के लिए ना ऐसे गाने सूट नहीं करते हैं, टू बी फ्रैंक यार अगर सच बोल रहा हूँ, अगर इस फिल्म के तीनों गाने अभी तक जो रिलीज हुए हैं ना, अगर ये तीनों गाने अगर अच्छे होते ना, फिर तो भाई ये फिल्म का बज कहाँ ज्यादा, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक देखो भाई गाना एक भी हिट नहीं हुआ है, एक भी भाई ग्राउंड लेवल पर नहीं बजा है, लेकिन फिर भी पब्लिक इस फिल्म के लिए पगलाई हुई है देखने के लिए। सोचो अगर गाना बजा होता तो फिल्म का बज नेक्स्ट लेवल पर जाता, कहाँ चला गया होता बज यार। यहाँ भाई फेल हो गया है भाई इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध सर। नो डाउट अनिरुद्ध सर बहुत तगड़े म्यूजिक डायरेक्टर भाई, मेरे को पता है, क्योंकि वो जिस भी मूवी में भाई बीजम देते हैं हार्ड लेवल का देते हैं, और नो डाउट जवान मूवी का भी बीजम बहुत हार्ड होने वाला है। बट हिंदी बिल्ड के जितने भी गाने उन लोगों ने रिलीज करा है वो एकदम इम्प्रेस नहीं करा है, खासकर भाई लिरिक्स अच्छे नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। और अनिरुद्ध सर जिस टोन में गाते हैं, के टोन से पता चल जाता है कि कोई साउथ का सिंगर हिंदी लैंग्वेज की गाना गा रहा है। हाँ, अनिरुद्ध सर को ये चीज करना चाहिए था, वो अपना म्यूजिक देते और हिंदी का जो सिंगर्स है, जैसे विशाल दलदानी है, विशाल दलदानी ने भाई इस गाने में भी गाया हुआ है रमैया वास्तव है, लेकिन वो प्रॉपर गाने को नहीं गाया हुआ है। अगर विशाल दलदानी से गवा लेते हैं, या फिर जो शाहरुख खान पे जिस पर सिंगर गवा सूट करता है उनसे गवा लेते तो मजा आ जाता भाई, फिर तो अलग ही सीन क्रिएट हो रहा होता। अभी ना कुछ नहीं किया जा सकता है, बट हाँ ये गलती को शाहरुख खान अपनी नेक्स्ट फिल्म में ना दोहराए, ऐसा चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग इस पर क्या कहना, तुम लोग ये गाना कैसा लगा, जितना तुम उम्मीद लगा के बैठे थे, क्या ये गाना तुम्हारे उम्मीद पे खरा उतरा है, जेन्युइन ओपिनियन देना भाई। और तुम लोग मेरी बात से कितना ज़्यादा एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, इसको लेके भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। अलावा अगर ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।